गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक कुछ परिभाषाएं की थी, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। हमने आहार के बारे में पढ़ा था कि आहार क्या होता है, हमारा भोजन क्या होता है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। भोजन जब शरीर में चला जाता है तो वो पोषण क्या कहलाता है, क्या क्या बॉडी में क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है पोषक तत्व के बारे में कि पोषक तत्व क्या होते हैं। आप सबने पोषक तत्व नाम सुना होगा कि भोजन में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थ। भोजन के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को उष्णता प्रदान करते हैं, और शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। तो जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में भोजन के द्वारा पहुंचते हैं और ये विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं क्या, भोजन में पाए जाने वाले कुछ जटिल रासायनिक पदार्थ, कुछ जटिल रासायनिक पदार्थ जो कि हमारे शरीर में जाकर ये विभिन्न क्रियाएं करते हैं, उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। आप सबको पता है कि पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। शरीर की वृद्धि विकास का कार्य जो रासायनिक पदार्थ करता है उसे प्रोटीन कहा गया है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं को करने के लिए बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट आता है वसा। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को शक्ति देता है, साथ साथ वसा जो है वो शरीर को उष्णता भी प्रदान करता है, शरीर को गर्मी प्रदान करने का कार्य भी वसा करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इन्हें रक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा गया है, क्योंकि यह विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण जो हैं ये हमारे शरीर की निर्माण भी करते हैं, शरीर का वृद्धि विकास भी करते हैं, और साथ साथ शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। तो इन्हें निर्माणात्मक और रक्षात्मक दोनों तरह का पोषक तत्व कहा गया है। नेक्स्ट आता है जल। जल हमारे शरीर को कुछ भी प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी जल को पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में सारे पोषक तत्व जब चले जाते हैं तो शरीर के अंदर इन पोषक तत्वों पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बाद ही शरीर जो है इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकता है। जैसे प्रोटीन शरीर में गया तो प्रोटीन पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होंगी, तभी प्रोटीन अपना कार्य करेगा, शरीर की वृद्धि विकास, शरीर का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है, इस पर भी विभिन्न केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में जाकर, और फिर ये हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो बॉडी में जितनी भी रासायनिक क्रियाएँ हैं वो रासायनिक क्रियाएँ जल द्वारा नियंत्रित होती हैं, तभी जल को एक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए इसे भी पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अगली परिभाषा, संतुलित आहार। संतुलित आहार जो है, सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि संतुलित आहार क्या होता है,
तो अक्सर ये बात सामने आती है कि वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं वो संतुलित आहार है, लेकिन वो आहार सभी के लिए संतुलित हो ये आवश्यक नहीं है। तो संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट जो है उसके लिए ये बात मुख्य रहती है कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, लेकिन कैसे उपस्थित हों, व्यक्ति की आयु, लिंग व अवस्था के अनुसार उपस्थित हों, विद्यमान हों, तो वो आहार संतुलित आहार कहलाता है। क्योंकि वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक लिंग के लिए, प्रत्येक अवस्था के लिए संतुलित हो ये आवश्यक नहीं है। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति की आयु, लिंग व अवस्था, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि व्यक्ति की आयु, लिंग व अवस्था के अनुसार उपस्थित हों या विद्यमान हों, तो वो आहार संतुलित आहार कहलाता है। क्योंकि अगर एक आहार जो हम कहें कि वो एक व्यक्ति के लिए संतुलित है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो, क्योंकि आयु के अनुसार आवश्यकताएं जो है वो या तो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं। इसी तरह से लिंग के अनुसार भी पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। उसी तरह अवस्था के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अवस्था मीन्स अगर शरीर की जो अवस्था है कि वो एक लेडी जब गर्भ धारण करती है या जब धात्री अवस्था में होती है या कई बार कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशन या कोई बीमारी हो जाती है तब शरीर की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, तो उस समय शरीर की जो पोषक तत्वों की शरीर द्वारा जो आवश्यकता है वो भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह लिंग के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता कम या अधिक हो सकती है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी तरह आयु के अनुसार भी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आयु कम है तो कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ग्रोथ पीरियड आता है, किशोरावस्था आती है, उस समय अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था के समय, युवावस्था के समय इसकी जो आवश्यकता है वो स्टेबल हो जाती है। वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट फिर कम या ज़्यादा, कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में आवश्यक होते हैं तो कुछ अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो संतुलित आहार की परिभाषा में हमें ये तीन मुख्य पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि व्यक्ति की आयु, लिंग व अवस्था के अनुसार सभी पोषक तत्व अगर आहार में शामिल हैं तो वो आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जो टर्म्स हैं, अगली परिभाषाएं हैं, उनके बारे में करेंगे। थैंक यू।